तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस में क्या होगा कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिक्स हो जाएगा। तो परफेक्ट का मतलब कार्य इसमें कंप्लीट भी हो चुका होगा और कंटिन्यूअस मतलब जारी भी होगा। ठीक है, तो यानी वही कार्य एक कंप्लीट भी हो चुका होगा और कंटिन्यू भी होगा। तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर आता है आपका पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव या असर्टिव। ठीक है, तो जो पहला आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगा हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव, फिर आएगा वर्ब की सॉरी बीन आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है, फिर फॉर या सिंस और प्लस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा बना पॉजिटिव सेंटेंस। सॉरी, तो ये हैज है और ये हैव है और यहाँ पे सिंस या फॉर है। ठीक है, तो ये जो हैज और हैव है और ये जो पीछे जो बीन लिखा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर ये जो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म दिख रहा है तो ये क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म है। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है, ये परफेक्ट है, तो इसीलिए नाम पड़ गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये जो सिंस फोर प्लस टाइम है इससे हमें ना मतलब टाइम के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, तो ये जो हैज होता है हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है या इसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट नेम, ठीक है, या जो भी सिंगुलर होते हैं बॉय राम। और हैव का यूज कहाँ होता है, ठीक है, तो हैव का यूज होता है सिंगुलर ओ सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हो गया आई वी यू दे, ठीक है, बॉयज, और किसी का नेम तो सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल नहीं होता। ठीक है, तो यानी हैज होगा सिंगुलर के साथ यूज और हैव होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर सिंस और फॉर इसमें भी आपको चॉइस करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। तो पहले सिंस बता देते हैं, सिंस तो जो सिंस होता है इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, और फिर यहाँ बताएंगे फॉर, फॉर का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो जो सिंस होता है हमारा वो होता है आपका एक निश्चित समय अवधि के लिए। ठीक है, निश्चित समय अवधि मतलब बोलते हैं इसको सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है या ऐसे कह लें कि शुरुआती समय के लिए यूज होता है, शुरुआती समय का उल्लेख। जब शुरुआती समय का उल्लेख करना हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो फोर होता है ये किसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब अनिश्चित, जब हमें अनिश्चित समय अवधि का बोध करना हो। ठीक है, यानी अनसर्टेन
पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं इनडिफिनिट, अनिश्चित। ठीक है, तो ये इनडिफिनिट के लिए यूज होता है। अब जो हमारा सिंस होता है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, तो ये यूज होता है जैसे कि मान लो सिंस मंडे, ठीक है, शुरुआती समय सिंस द बिगनिंग, सिंस 2008, सिंस, ठीक है, 8 PM, सिंस लास्ट ईयर। तो जो सिंस का प्रयोग होता है वो अगर हमें याद करना है तो कुल मिलाकर एक कैलेंडर और एक घड़ी, कोई दिन का पहर, और इसके अंदर एक आ गया जीवन की अवस्थाएं के साथ, ठीक है, सेंस का प्रयोग करते हैं। तो जो कैलेंडर है, जैसे कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, कैलेंडर में होते हैं डेज, तो जैसे डेज होते हैं वो कैलेंडर में होते हैं, तो कोई भी डे आ गया संडे मंडे सबके साथ सेंस लगेगा। कोई डेट, कोई कोई तारीख आ गया, ठीक है, जैसे 8 मार्च, 2 अक्टूबर, 15 फरवरी, ठीक है, कोई ईयर्स का नाम आ जाए, 2007, 2008, 2009, 2010, 1998, जो भी आ जाए, कोई मंथ, कोई महीने का नाम आ जाए, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ओकेजन, या इसको कहते हैं फेस्टिवल, कोई त्योहार आ जाए, होली, दिवाली, क्रिसमस, ठीक है, और घड़ी को कहेंगे क्लॉक। तो घड़ी में जैसे कि क्या क्या बज सकता है, जैसे 7 o'clock, 8 AM, 9 PM, ठीक है, तो इन सब के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे जीवन की कुछ घटनाएं होती हैं, जीवन का एक अवस्था, जैसे चाइल्डहुड मैंने बचपन, एक हो गया जैसे एडोलसेंस, युवावस्था, या फिर हो गया यूथ, युवा, यंग, ठीक है, तो ये चीज हो गई। ऐसी हो गया पार्ट ऑफ द डे, जैसे कि मान लो मॉर्निंग, इवनिंग, डाउन, लास्ट नाइट, ये शुरुआती समय, नून। तो जो शुरुआती समय होगा तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसके अलावा फेस्टिवल हो गया, तो इवेंट, कुछ इवेंट्स यानी घटनाओं के बारे में बताया जाता है, तो उसके साथ भी यूज होता है सिंस। जैसे हमने लिखा सिंस हिज बर्थ डे, सिंस हिज डेथ, सिंस हिज मैरिज, ठीक है, ये आपकी घटनाएं के समय वाला टाइम है, ठीक है। तो सेंस का प्रयोग इतने चीजों में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फोर का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फोर, तो फोर का यूज कहाँ होता है, तो जो फोर होता है इसका यूज होता है जैसे कोई भी एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया और प्लस एक मतलब टाइम आ गया, ठीक है, तो वो टाइम क्या हो सकता है, जैसे मिनट, मिनट्स, ठीक है, तो नंबर में आएगा जैसे 4:30 मिनट, 4 many मिनट, 4:25 मिनट, 4 several मिनट, 4 a few मिनट, ठीक है। तो मिनट हो गया, ऐसे ही आपको हो सकता है आवर्स आ जाए, इतने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कोई डेज आ जाए, 4-5 days, 4-2 days, 4 several day, 4 many day, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आ सकता है जैसे 4 2 minutes, 4 5 hour, 4 many days, 4 several days, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आपका आ सकता है वीक्स,
फिर आ सकता है मंथ्स, फिर आ सकता है ईयर्स, फिर आ सकता है डिकेड्स, दशक, ठीक है, फिर सेंचुरीज, फिर ऐसे आता है आपका सेंचुरी हो गया ना, फिर ऐसे आता है आपका फोर आ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, ऐसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट। इसके अंदर ऐसे भी आ सकता है फॉर द लास्ट 5 आवर, फॉर द पास्ट 4 डेज, ठीक है, सॉरी, फॉर द लास्ट 5 आवर्स, ठीक है, तो ऐसे आ सकता है फॉर द लास्ट, फॉर द पास्ट, ठीक है, फॉर द पास्ट 3 डेज, तो ऐसे आ सकता है सीजन, फॉर द सीजन, ऐसे आ सकता है 4 आवर्स, 4 मंथ्स, 4 डेज, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो जो फोर जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, ऐसी समय के लिए होता है जिसको मतलब गिनती में हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो जो फोर होते हैं इसका फोर का एक और मीनिंग होता है, जैसे फोर, अगर फोर का अर्थ सामान्य होता है तो इसका मतलब होता है तक या के लिए। तो जब ऐसा होता है तो इसका यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट में, ये सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि विनय वेटेड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। विनय ना मेरा इंतजार कर रहा था, मेरे लिए इंतजार करता फॉर मी, तो ये इसका हिंदी है के लिए और ये टाइम के लिए है, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। ऐसे और भी टेंस जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं हम, ठीक है। तो जैसे मैं लिखा वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो इस टेंस में पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, और तथा समय सूचक, समय सूचक शब्द के साथ से शब्द भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें रहा है, रहा है, रही है, समय सूचक शब्दों के साथ से शब्द भी पाया जाता है, से, जैसे वह 3 घंटे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो से है ये समय सूचक शब्द है ना, 3 घंटे, इसके साथ से मिलेगा और आखिरी में रहा है, रही है, ठीक है। तो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो जो कार्य मतलब पास्ट में या भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हो तो उसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा सब्जेक्ट वह है तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आएगा हैज, ही के साथ हैज बीन। अब देखो खेल रहा है तो खेल का क्या जाएगा, प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। और कब से खेल रहा है, 3 घंटे से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 आवर्स। तो फोर क्यों आया,
क्योंकि जो 3 घंटे हैं वो हमें पता नहीं है कौन से 3 घंटे हैं, मतलब फिक्स नहीं है, शुरुआती समय नहीं है, ये ना कोई इंटरवल है, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, इस वजह से हमने यहाँ 4 लगाया है। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे को लिखते हैं मैं 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा आई, अब आई के साथ क्या आएगा हैव, आई हैव बीन, देखो रह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 वर्षों से ना, तो 4-5 ईयर्स, ठीक है, तो 5 वर्षों से रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो टेंस होते हैं इसके अंदर रूल को देख के हम बना सकते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी नोट, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस इंस या फॉर और प्लस टाइम, तो सब्जेक्ट हैज हैव नोट प्लस वर्ब बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो जैसे हमने लिखा सॉरी राम राम 2 बजे से, राम 2 बजे से कपड़े नहीं धो रहा है, तो राम 2 बजे से कपड़े नहीं धो रहा है, मैंने राम हैज नॉट बीन, ठीक है, अब बीन के बाद क्या आएगा, धो रहा है तो वॉशिंग, कपड़े धो रहा है तो क्लोथ्स, अब 2 बजे से ये तो फिक्स समय है तो सिंस आएगा, सिंस 2 बजे को 2 o'clock, तो इस प्रकार से नेगेटिव बना। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में पहला होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट आएगा, नहीं तो नोट को आप ड्रॉप कर देंगे, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही प्लस सेंस या फॉर और प्लस टाइम, ठीक है टाइम। ऐसे अगर मान लो होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर ये सारा सेम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नोट होगा तो आएगा नहीं ड्रॉप हो जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर और प्लस टाइम। तो ये जो यस नो क्वेश्चन होते हैं क्या से शुरू होते हैं, शुरू में आते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन ये बीच में आते हैं, ठीक है, और इनके साथ क्वेश्चन मार्क आते हैं, ठीक है, जैसे क्या राधा सुबह से भोजन पका रही है, क्या राधा सुबह से भोजन पका रही है, तो यहाँ पे जाएगा हैज राधा, देखो हैज आ गया राधा आ गया, नोट नहीं है ड्रॉप कर दो, बीन, बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी, तो पका रही है तो कुक और आईएनजी जोड़ेंगे तो कुकिंग फूड, सुबह से, सुबह दिन का एक पहर है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा राधा राधा 2 घंटे से
ज़्यादा 2 घंटे से फूल 2 घंटे से राधा 2 घंटे से फूल क्यों तोड़ रही है। तो यहाँ पे क्यों आया ना, बीच में आ गया क्यों, तो आएगा कि वाई हैज राधा, ठीक है, वाई हैज राधा अब तोड़ रही है तो क्या होगा, बीन प्लकिंग, तो बीन प्लकिंग फ्लोवर्स 2 घंटे से, तो 2 घंटे फिक्स नहीं है तो फोर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे टेंस था। अब थोड़ा इसका यूज देखते हैं। इस टेंस का प्रयोग वैसे या ऐसे एक्शन यानी कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट में जारी है, यानी वर्तमान समय में जारी है। शी हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, वो मतलब सुबह से उपन्यास पढ़ रही है, तो सुबह से उपन्यास पढ़ रही है, तो ये सुबह जो है ये आपका पास्ट था और अभी भी कंटिन्यू पढ़ रही है तो ये प्रेजेंट है, तो यानी ये एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी जारी है, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। दूसरा, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक कंटिन्यू जारी रहा और इस समय तत्काल बंद है या समाप्त हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कायम है। जैसे सी हैज बीन क्राइंग, जैसे वो ना रो रही है, तो यानी ये एक्शन जो है ना वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी पता नहीं जारी है या समाप्त हो गया है, ठीक है, तो इसका प्रभाव अभी अभी पता चल रहा है। वाई हैव यू क्लोथ बीन सो वेट, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स। तो यहाँ पे नोट है कि सर्टेन वर्ब्स यानी कुछ वर्ब्स होते हैं लाइक, जैसे ली माने रहना, वेट इंतजार करना, एंड बी माने होना, एक्सप्रेस ए स्टेट, ये एक स्टेट अवस्था बताते हैं, एंड कैरी द आइडिया ऑफ कंटिन्यू, और इसके अंदर एक विचार है जो कंटिन्यू में मतलब कैरी हो रहता है, चलता रहता है कंटिन्यू। तो इन द केस ऑफ दिस वर्ब, ऐसे केस में वर्ब में द प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन द सेम, तो चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करें, मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। जैसे ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर, तो चाहे फिर ये कहें या फिर हम ये कहें ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर, इसका मतलब है कि वो 10 वर्षों से दिल्ली में रह चुका है, और इसका मतलब है 10 वर्षों से दिल्ली में रह चुका है और अब भी रह रहा है, तो इसका मतलब भी वही है कि 10 साल से मतलब रह चुका है और अभी भी रह रहा है, और इसका मतलब भी ऐसा ही है कि वो भी रह रहा है, मतलब 10 साल तक तो रह चुका है और अभी भी कंटिन्यू रह रहा है। तो हमारा ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।